मैंने मेरे एक ब्लॉग पे पेज स्पीड इनसाइड स्कोर मोबाइल में 99 और कंप्यूटर में 100 अचीव किया है। आप जान चाहते हो कैसे, चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उससे बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको आपका आर्टिकल का रैंक गूगल पे हाई पोजीशन में लाना है तो उसके लिए आपका जो कॉन्टेंट का क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए, आपका ऑन पेज SEO वो अच्छा होना चाहिए। उसके बावजूद आपका जो पेज स्पीड स्कोर, पेज स्पीड इनसाइड स्कोर, गूगल वेब वाइटल स्कोर ज़्यादा होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं थोड़ा आपका साइट अगर थोड़ा स्लो है तो आप डाउन चल जाओगे, लेकिन अगर कोई साइट आपके जितना अच्छा ऑन पेज SEO किया है और उसका पे स्कोर आपसे ज़्यादा है तो वो तो आपको पीछे छोड़ ही देगा। इसीलिए कंटेंट के साथ साथ आपका जो पेज स्पीड इनसाइड स्कोर वो बेहतर होना जरूरी है। अगर आप 90+ अचीव कर पाते हो तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और मैंने एक साइट पे इसको अचीव किया है, मोबाइल में 99 और कंप्यूटर में 100। आप यकीन नहीं करेंगे, यह एक बहुत अमेजिंग स्कोर है। तो आखिर हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं? इसका सिंपल 3 फंडा है। एक है होस्टिंग, दूसरा है उसका थीम, और तीसरा है कोई कचरा प्लगइन नहीं। बस ये 3 चीज़। अगर आप ये 3 रूल फॉलो करोगे तो आप ये आसानी से अचीव कर पाओगे। मैंने एक आर्टिकल लिखा था स्टिकी फुटर एड्स, ये एडसेंस का स्टिकी फुटर एड्स था। अब देखिए ये ऊपर आ रहा है 0 पोजीशन में। मैंने जब इसको पेज इनसाइड स्कोर में इसको चेक किया तो मुझे मिला मोबाइल में 99 और डेस्कटॉप में 100। इसके लिए आपका जो होस्टिंग है वो फास्ट होना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप होस्टिकेटर का होस्टिंग इस्तेमाल करो। अगर आपके पास पैसा है तो आप डिजिटल ओशन में जाओ। ये जो मेरा होस्टिंग है ये डिजिटल ओशन में ही है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका साइट का थीम। अगर आप कोई हैवी वेट थीम इंस्टॉल कर देते हो ऐसे भी आपका साइट का जो स्कोर है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कचरा भरा होता है, बहुत ज़्यादा डिजाइन इधर उधर होता है, इसीलिए आपका जो लोडिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। आपको जो बेस्ट मैं थीम रिकमेंड करूँगा वो है जेंटप्रेस, और इसी ब्लॉग में मैंने जेंटप्रेस का इस्तेमाल किया है। आप जाके चेक कर सकते हो chandanprasad.com, वहाँ पर मैंने जेंटप्रेस का इस्तेमाल किया है और आपको ये बहुत ही कम दाम में हमारे स्टोर में मिल जाएगा, store.hindimein.net, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको जेंटप्रेस यूज़ करना है, ये बहुत ही लाइटवेट थीम है और बहुत क्विक लोड होता है। जो यूजर आता है आपके साइट में पढ़ने के लिए आता है, आपके साइट डिज़ाइन देखने नहीं आता, और ज़्यादातर जो हमारा इंडियन यूजर है वो मोबाइल से ही ब्राउज करते हैं तो उनको मोबाइल में उतना कुछ दिखाई नहीं देता, बस उनको अच्छा कॉन्टेंट और क्विक पेज लोड होना चाहिए उनको। तो ऐसे ही आप एक लाइटवेट थीम का इस्तेमाल करो। अगर आप दूसरा कोई इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जाके हमारे स्टोर से परचेज कर सकते हो। तीसरा चीज़ जो मैंने किया वो मैंने WP रॉकेट प्लगइन का इस्तेमाल किया। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्केचिंग प्लगइन है और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड ब्लॉग बना चुका हूँ, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा कि इसको कैसे सेटिंग करना है। आपको ये भी हमारे स्टोर में मिल जाएगा। अभी WP रॉकेट स्केचिंग प्लगइन 449 में अवेलेबल है, आप जाके हमारे स्टोर से इसको खरीद सकते हो, और मैंने वीडियो में जैसे बताया उसी हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फिर आता है एक बोनस टिप। अगर आपको कुछ ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही कोई भी प्लगइन का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि आपको नहीं पता वो कैसे आपका साइट का लोडिंग जो टाइम है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जितना ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हद से ज़रूरी है उतना यूज़ करो, और सब प्लगइन का कुछ लाइटवेट वर्जन होता है वो चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी कभी कोई डिजाइन के लिए या कोई सोशल आइकन से वगैरह कोई हैवी वेट का प्लगइन इस्तेमाल मत करो, जितना जरूरत है उतना करो और बाकी सबको हटा दो। तो ये 3 रूल, एक है होस्टिंग, आपको फास्ट होस्टिंग चाहिए, अगर पैसा है तो डिजिटल ऑप्शन यूज करो, अगर बिगिनर हो तो होस्टगेटर यूज करो। होस्टगेटर मैं 2011 से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनके वेबसाइट में आपको शेयर होस्टिंग, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, VPS होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर आदि ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको कम पैसों में एक सिक्योर एंड फास्ट वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप होस्टगेटर यूज करो,
और हमारा कूपन कोड हिंदी में का इस्तेमाल करके इसका मैक्सिमम डिस्काउंट का लाभ उठाओ। तो दूसरा है वो है एक लाइट वेट थीम, और तीसरा है बेस्ट कैचिंग प्लगइन। आप चाहे तो फ्री कैचिंग प्लगइन ऑप्शन में भी जा सकते हो, और जेंटप्रेस का फ्री वर्सन भी है, लेकिन अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए जैसे कि मेरा साइट बनाया हुआ है तो आप इसका जो प्रो वर्सन है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी जाइए और अपने साइट को ऑप्टिमाइज करिए। अगर आपका कंटेंट पहले से बेटर है तो आपको आपके साइट की स्पीड के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अभी जाइए साइट को ऑप्टिमाइज करिए, अपना स्कोर चेक करिए और नीचे कमेंट करिए कि आपका स्कोर कितना है। उम्मीद है कि आप सबके वीडियो पसंद आया, मेरे को लाइक करिए। अगर आपको सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।